हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज बात करते हैं माइक्रोवेव अवन की। खुराफाती इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया एक ऐसा डब्बा जो एक जबरदस्त काम की मशीन बन गया। इस वीडियो के खत्म होने के बाद हो सकता है किसी न किसी चीज की खोज का आइडिया आपको यहां से मिल जाए। दो शब्दों को लेकर आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं वीडियो के शुरू में ही उनके बारे में आपको बता देता हूं। जब मैं माइक्रोवेव मशीन के बारे में बात करूंगा तो मैं माइक्रोवेव ओवन कहूंगा, और जब मैं माइक्रोवेव यानी वेव के बारे में बात करूंगा तो मैं माइक्रोवेव ही कहूंगा। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी, बाकी सारा काम मैं अपने आप निपटा लूंगा। चलो समझते हैं। धरती धकेल पहाड़ तोड़ इंजीनियरिंग की ऊटपटांग हरकतों से जन्मे माइक्रोवेव ओवन के पीछे काम करने वाले असली कारणों को मैं बोरिंग बातों में नहीं जाऊंगा, जैसे माइक्रोवेव ओवन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ये सारी जानकारी आपको माइक्रोवेव ओवन की बॉडी या गुगली बाबा पर भी मिल जाएगी। हम सीखेंगे वो चीज जिसे सीखने में मजा आए, बोले तो आपके खुराफाती दिमाग को डोपामीन की डोज भर भर के मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि माइक्रोवेव ओवन खाने को गर्म कर सकता है। अब आता है सवाल कि आखिर ये गरम करता कैसे है। तो जी, इसके लिए वो सहारा लेता है मैग्नेट्रॉन का। उत्तरी ट्रांसफॉर्मर वाला मैग्नेट्रॉन? अरे ना रे, वैसा कुछ नहीं है। खाली पीली एक्साइटमेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेट्रॉन का नाम सुन के ट्रांसफॉर्मर मूवी पर मत चले जाना। माइक्रोवेव और ट्रांसफॉर्मर की दुनिया में बस नाम ही सेम है, बाकी काम बिल्कुल अलग है। मैग्नेट्रॉन कुछ और नहीं बल्कि एक वैक्यूम ट्यूब को ही कहते हैं। एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब जो माइक्रोवेव को एम्पलीफाई तो नहीं कर सकती, पर उसे जबरदस्त तरीके से ऑसिलेट करा सकती है। अब एम्पलीफाई और ऑसिलेट जैसे भारी शब्दों को सुनकर डर मत जाना। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपको एम्पलीफाई और ऑसिलेट दोनों के बीच का फर्क पता होगा, और अगर नहीं मालूम तो कमेंट करना, मैं कमेंट में ही इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो पहले जानते हैं कि आखिर वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, कैसे काम करती है, और किसने इसे अपने ज्ञान के घोंसले से निकाला, बोले तो किसने बनाई और आखिर क्यों बनाई। क्योंकि देखो, हर चीज की खोज के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। और ये सब जानने के बाद एक और बड़ा सवाल रह जाता है। जब विज्ञान को वैक्यूम ट्यूब का रिप्लेसमेंट मिल ही गया था, यानी अल्टरनेटिव मिल गया, तो भी ये माइक्रोवेव ओवन में अभी तक क्यों इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले समझते हैं वैक्यूम ट्यूब को। तो कहानी की शुरुआत हुई थी वन ऑफ माय फेवरेट निकोला टेस्ला के कट्टर दुश्मन थॉमस अल्वा एडिसन से। तो एडिसन महाराज ने 1875 में बल्ब के आविष्कार के दौरान देखा कि करंट को ट्रेवल करने के लिए वायर जैसे मीडियम की जरूरत नहीं है। अब एडिसन ने ऐसा क्या नोट कर लिया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे, चलो उसे भी जान लेते हैं। एडिसन ने पाया कि अगर एक मेटल प्लेट को गर्म किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना शुरू कर देगी, और चलते हुए इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, बोले तो डीसी करंट। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे नाम दिया एडिसन इफेक्ट का। बस जी, एडिसन का रोल इतना ही था। अब हम पहुंच गए हैं आगे। 1904 में जॉन ए फ्लेमिंग रेडियो सिग्नल रिसीवर बनाने पर काम कर रहे थे, और उन्होंने एडिसन इफेक्ट का इस्तेमाल करके वैक्यूम ट्यूब बनाने का काम किया। हालांकि उनका इरादा हम लोगों के लिए खाना गर्म करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो चैन से घर पे बैठकर रेडियो सुनने का मजा लेना चाहते थे। अगर आप में से किसी के घर पर अर्ली 90s या 80s के जमाने का रेडियो है तो आपको उसमें वैक्यूम ट्यूब जरूर मिलेगी। अब क्योंकि रेडियो सिग्नल रिसीवर की खोज हो गई थी, तो जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हवा में उड़ते हुए ब्रिटिश एयरप्लेन्स को हिटलर के नाजी जर्मनी के एयरक्राफ्ट की सही लोकेशन और फॉर्मेशन की जानकारी पहुंचाने का काम किया था, जिसे ब्रिटिश इतिहास में चेन होम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी हुई कहानी मैंने अपनी रडार वाली वीडियो में बताई है, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो जी, लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ और हिटलर हार गया, और उसके बाद शुरू हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का रेडियो में ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल। फिर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैक्यूम ट्यूब्स इतिहास में खोने लगी, क्योंकि उनकी जगह ले ली थी माइक्रोचिप्स ने। माइक्रोचिप्स वैक्यूम ट्यूब से बोली, दद्दू तुम्हारा टाइम गयो, निकलो, जाओ किसी म्यूजियम में बैठो, काहे कबड्डी खेल रहे हो, अब जवानी वापस ना फूटने वाली। वैक्यूम ट्यूब्स बोली, मुन्ना दद्दू का मतलब समझते हो, हम डैडी के डैडी हैं, अभी भी एक काम ऐसा है जो बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा। माइक्रोचिप्स बोली, दद्दू अपनी हालत देखो, तुम्हारे पैर कबर में, शरीर वेंटिलेटर पे है, और बोल रहे हो दुनिया हिला देंगे हम। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स बिल्कुल सही थी, एक काम अभी भी ऐसा था जो माइक्रोचिप्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, और वो था माइक्रोवेव से हीट प्रोड्यूस करना। और हमें माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग ही तो चाहिए, इसीलिए आज भी माइक्रोवेव ओवन में वैक्यूम ट्यूब यानी मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हर चीज के पास अपना एक USP होता है। दूसरा, कई बार भविष्यों की समस्याओं का समाधान इतिहास में छुपा होता है। अब जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। एक माइक्रोवेव ओवन में 3 मेन चीजें होती हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला मैग्नेट्रॉन जो खाने को गर्म करने के लिए ऊर्जा पैदा करता है, एक वेव एनर्जी गाइड
जो एनर्जी को खाने तक लेकर जाती है, और एक ऐसा सुरक्षित चेम्बर जो खाने को गर्म होने के लिए आसानी से संभाल सके। आगे बढ़ने से पहले हीटिंग को समझ लेते हैं। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो हीटिंग एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर है जिसकी वजह से किसी भी चीज के मॉलिक्यूल द्वारा किए जाने वाले रैंडम मोशन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, और इसी रैंडम मोशन की वजह से किसी भी चीज का तापमान बढ़ने लगता है। हम जो अपने घरों में पैन या तवा इस्तेमाल करते हैं, उसको गैस या चूल्हे पर रखने से उसकी सरफेस हीट रेडिएट करके खाने को बाहर से गर्म करती है। अब यहाँ पर मैंने इसका जिक्र क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि तवे या पैन पर हीट ट्रांसफर बाहर से अंदर की तरफ होता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन के द्वारा पैदा की गई एनर्जी खाने को अंदर बाहर से एक साथ गर्म करती है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि अगर माइक्रोवेव ओवन में खाना यूनिफॉर्म तरीके से गर्म होता है तो वो कहीं कहीं से ठंडा क्यों रह जाता है, या बाकी जगहों से उसका तापमान कम क्यों रहता है। चिंता मत करो, इसका भी रीजन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बाद में। अब बात करते हैं कि हमारे खाने को माइक्रोवेव गर्म कैसे करता है। देखो भैया, हमारे खाने में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक कोने पर पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे कोने पर नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब ये कि वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है। पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन इंडिविजुअल एटम्स के पास अभी भी चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देने के लिए हम इसे वैक्यूम ट्यूब से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सामने रख देते हैं, और अब यहाँ पर पैदा हुई चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक सेकंड में 2.5 बिलियन टाइम्स अपना डायरेक्शन बदलती है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसे मैच करने की कोशिश करते हैं, और जब बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ ऐसा करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बस इतनी सिंपल ही है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कि खाना कहीं से गर्म और कहीं से ठंडा क्यों रहता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कोई भी माइक्रोवेव ओवन सिर्फ वही वेव प्रोड्यूस करता है, या माइक्रोवेव ओवन को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो वही वेव प्रोड्यूस कर सके जो उसके अंदर बड़ी आसानी से फिट हो सके। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, इस वेव में गौर करने वाली दो चीजें हैं, पहला पीक और वैली और दूसरा नोड जहां पर वेव न्यूट्रल है। अब ये जो नोड है, यहां पर कोई भी हीटिंग नहीं होगी क्योंकि कोई भी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन बाकी जगह हीटिंग होगी। तो ये है अनइवन हीटिंग का कारण। वैसे हम यहाँ से माइक्रोवेव का वेवलेंथ भी पता कर सकते हैं। अगर हम दो हीटेड स्पॉट्स के बीच की दूरी नाप लें तो हमें वेवलेंथ का पता लग जाएगा, और अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। चिंता मत करो, थोड़ा बहुत एरर चल जाएगा। अब जानते हैं कि मैग्नेट्रॉन कैसे काम करता है। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है कूलिंग फिन्स जो गर्म होती वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखने के लिए हीट को बाहर निकालती हैं। ये है मैग्नेट्रॉन, इसमें लगी है दो मैग्नेट और एक वैक्यूम ट्यूब। अगर इस वैक्यूम ट्यूब को बीच में से काट दिया जाए तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये कॉपर है और इसके अंदर एक फिलामेंट है जिसे हम हाई वोल्टेज देते हैं, जिसके बाद हर दिशा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ भागने लगते हैं। ये फिलामेंट टंगस्टन और थोरियम से मिलकर बना है। अब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि टंगस्टन हाई टेम्परेचर झेल सकता है और थोरियम में इलेक्ट्रॉन्स की भरपूर मात्रा मिलती है। अब जो दो मैग्नेट हमने मैग्नेट्रॉन पर लगा रखी थी उनका काम भी जान लो। यहाँ से शुरू होती है कमाल की इंजीनियरिंग। देखिए, चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगी, तो हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ऐसे सिलेक्ट किया कि वो दौड़ते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स डाल सके और इन्हें वापस फिलामेंट की तरफ मोड़ दे, लेकिन इस तरह से मोड़े कि वो इस खाली जगह को छूते हुए निकल जाए, और ऐसा करने से एक भंवर पैदा होगा, और इसी घूमते हुए चक्कर यानी ऑसिलेटिंग फील्ड को हम माइक्रोवेव कहते हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि कम कीमत में इतने प्रिसिशन के साथ सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करना सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा है। कुछ और जरूरी बातें, माइक्रोवेव में हाई एनर्जी कैपेसिटर लगा होता है, तो गलती से भी उसे खुद खोलने की कोशिश मत करना। माइक्रोवेव में लगा मैग्नेट्रॉन रेडियो एक्टिव भी होता है, जिसका रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज है, तो बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के इसके साथ नोटी नोटी हरकतें मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।